हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मटर मशरूम की सब्जी। एक बड़ी टेस्टी होती है खाने में, इसका टेस्ट सबको पसंद आता है। तो चलते हैं बनाने। इसे बनाने के लिए मैंने लिए मशरूम, ये कुछ मटर, ये एक कढ़ाई लेते हैं। गैस ऑन कर दिए, गैस पर कढ़ाई रख देंगे। इसमें डालेंगे ऑयल मशरूम फ्राई करने के लिए। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे मशरूम। मशरूम को चलाते हुए हल्की फ्राई करेंगे, इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इनका टेस्ट चेंज हो जाता है। हल्की फ्राई करने से टेस्ट में अच्छी लगती है, इनका कलर चेंज होने लगा है। हल्की सी फ्राई करके ये हो गई है फ्राई, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और अब चलते हैं ग्रेवी के लिए। ये लिए हमने कुछ लहसुन की कलियाँ, 2 ओनियन, ये टमाटर और ये हरी मिर्च, एक अदरक का टुकड़ा। हम इन सबको रफली काट लेंगे। ये मैंने प्याज और लहसुन काट लिए, अब एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें तेल गरम करके प्याज डाल देंगे। प्याज का कच्चापन निकल जाता है, इसलिए हम इसे पहले फ्राई कर लेंगे हल्की। देखो प्याज का कलर चेंज हो गया, अब इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल के हम नमक डाल देंगे। नमक डालने से अच्छी तरह गल जाता है, टमाटर जल्दी गलते हैं। हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए पका दूंगी। ये देखो ये पक गया, मैं इसे ठंडा कर दूंगी। गैस बंद कर दिए और ये ठंडा हो गया। मैं इसे जार में डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी। ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब गैस ऑन करेंगे, एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई गर्म होने पर इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो या फिर घी ले सकते हो। तेल होने पर मैं डालूंगी इसमें जीरा। जीरा अच्छे से पका लूंगी, फिर मैं इसमें डालूंगी जो मैंने पेस्ट तैयार किया है वो पेस्ट। पेस्ट डाल के इसे चलाऊंगी, फिर मैं इसमें डालूंगी सब मसाले। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा हींग और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया। सब मसाले डालकर अच्छे से चलाऊंगी। फिर मैं इसमें डालूंगी दही। आप इसमें क्रीम या मलाई भी डाल सकते हो। मैंने इसमें दही डाल ली है। दही डालकर अच्छे से चलाऊंगी 2 मिनट के लिए, ढककर पकाऊंगी। दबी से बीच बीच में चलाते रहना ताकि ये नीचे ना लग जाए। मैं इसे 2 मिनट के लिए दोबारा ढककर पकाऊंगी। अब देखो मसाला अच्छे से पक गया है, ये साइड से तेल छोड़ रहा है। जब मसाला साइड से तेल छोड़ जाए तो अच्छी तरह पक जाता है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप पानी। पानी डालकर मसाले को चलाऊंगी। अब मैं इसमें डालूंगी मटर। मटर डालकर इसे अच्छे से चलाकर 5 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी। ये देखो मटर अच्छे से पक गई है। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने मशरूम फ्राई की है। मशरूम डालकर अच्छे से चलाऊंगी, दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ये देखो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। गरम मसाला डालकर थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। ये देखो अच्छे से पक गई है सब्जी। अब ये सब्जी रेडी है। सब्जी ने अच्छी तरह तेल छोड़ दिया है, मसाला पक गया है, सब्जी रेडी है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। सब्जी सर्व करने के लिए रेडी है। तो बताना दोस्तों ये रेसिपी कैसे लगी। आपकी टेस्टी सब्जी रेडी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और जो कोई कमी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। आगे से ध्यान रखूंगी। बाय।